मैं जो ना आपसे अपनी वीडियो के बारे में बात करना चाहती हूँ, मतलब के तो सर आपको पता है मेरे व्यूज़ है ना बस 200 ही आते हैं, और 200 भी बहुत मुश्किल से आए, और 200 भी व्यूज़ जब आए जब हमने अपनी शादी वगैरह की वीडियो बनाई है, शादी की वजह से 200 व्यूज़ हो गए। बस मैं तो दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक मेरे व्यूज़ जल्दी जल्दी बढ़ जाए, मैं कामयाब हो जाऊँ। और जैसे आपको पता है मैं दूसरों की वीडियो खोलकर देखती हूँ ना, जब जो है ना उनके व्यूज़ माशाल्लाह से 1K 2K 5K ऐसे होते हैं, और मेरा भी दिल करता है, मेरी भी दिली तमन्ना है कि मेरे भी इतने ज़्यादा व्यूज़ हों, मेरी भी वीडियो जो है ना लोग पसंद करें। लेकिन दोस्तों मुझे जो है ना आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि दुआ कीजिएगा कि मेरे भी व्यूज़ अच्छे आएँ, मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़े और मेरी भी जल्दी से कामयाब हो। माय नेम इज अलीशा, कैसे आप सब, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और दोस्तों आज का व्लॉग जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपने करना है कंप्लीट वॉच। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं होते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक अच्छे से कमेंट करें। और चैनल का नाम तो आप जानते हैं, नहीं जानते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पूछ नहीं सकते, मैं आपको खुद बता देती हूँ, मेरे चैनल का नाम है बचपन की जिंदगी, देखना मत भूलिएगा। और दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ खाला मामी के घर पर, जाके देखेंगे कि वो लोग क्या पका रहे हैं, क्या खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आइए हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए मैं खाला मामी के घर पर आ गई हूँ, ये ऊपर वाला दरवाज़ा जो है खुला हुआ है, तो हम ऊपर से ही चले जाते हैं। और हमारी भाभी जो है वो रुकने गई है अपनी अम्मी के घर पर, और मैं इधर खाला मम्मी के पहुँच गई हूँ, और खाला मम्मी इस्त्री कर रही हैं और खाना बनाने की तैयारी हो रही है, और मेरी आपी जो है इधर कोफ्ते बना रही है, देखिए गोल गोल कोफ्ते। पर आई तो सब अपने अपने काम में मसरूफ है, छोटी वाली यानी भाभी जो हैं वो गई हैं अपने घर पर रुकने, और मेरी यहाँ पे बना रही है कोफ्ते, खाला मम्मी कर रही हैं इस्त्री, और मैं इधर बना रही हूँ अपना ब्लॉग। और खाला मम्मी के घर भी आज मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ, क्योंकि नानी के भी नहीं आ रहे थे तो इधर भी नहीं आ रहे थे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं अभी अपनी आप ही के कमरे में, और आप ही का कमरा अभी तक माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगता है, यानी कि ऐसा लगता है नया नया कमरा नहीं होता दुल्हनों का, क्योंकि सब चीज़ें ऐसी सजी हुई हैं। देखिए कमरा भी ऊपर से ऐसी सजा हुआ है, गिफ्ट वगैरह सब लगे हैं, बस सेज हटा दी, देखें सेज हटा दी। तो मैंने वीडियो बना लिया और अभी मैं जा रही हूँ छत पर, छत पर जाकर देखेंगे कि छत की क्या हालत है। और छत की जो है ना दोस्तों बहुत ही बुरी हालत है, मतलब के आपको पता है दोस्तों यहाँ पर जो है ना मेरे भाई ने यानी बकरियाँ पाल ली हैं, और खाला मम्मी इन बकरियों से बहुत परेशान है, बकरियों से नहीं इनके गंद से, मतलब कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा गंद करती है, इन्होंने कमरा जो है ना सड़ा के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। परेशान हो रही है, ये देखे ये माशाल्लाह दो बड़ी बड़ी बकरियाँ हैं, ये और इनके चोट लगी हुई है शायद ये नाक पर देखे, और ये देखे माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी हैं एक जैसी, और ये वही वाला है जो मैंने आपको बताया था कि मेरे कज़न का यानी भाई का है, और ये भी जो नानी ने ये खाला मम्मी लोगों को दी थी ये भी, और बहुत ही ज़्यादा इन्होंने गंद किया हुआ है। तो आइए हम चलते हैं चौकी पर, और देखिए काले काले बादल फिर से छा गए हैं, बारिश का मूड बन रहा है शायद, मुझे तो नहीं पता वैसे। तो अब मैं आ गई हूँ चौकी पर, यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारा नज़ारा है, लोग जो है दोस्तों इतने प्यारे मौसम में पहाड़ी घूमने गए हैं, ये देखें काले काले बुरखों में आपको लेडीसें दिख रही होंगी ना, अभी आपको दिखाया कि शायद इस पहाड़ी पर जो है ना लेडीसें पहाड़ी घूमने गई हुई है। और हम लोग का भी दो दिन से प्लान बन रहा था कि चले हम भी घूमने चलते हैं, लेकिन जा ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जा रही है बीच में, लेकिन इंशाल्लाह जाएंगे हम ज़रूर। और हम लोग ये वाली पहाड़ी पर नहीं जाते क्योंकि दोस्तों इधर जो है ना खतरा लगे रहता है, इधर अगर जाएँ तो जेंट्स के साथ जाएँ, लेकिन हम लोग अगर जाते हैं तो हम जो है ना सारी लेडीज़ ही जाते हैं, और ये वाली पहाड़ी जो है ना थोड़ी सी खतरनाक है, मतलब कि इधर सुनसान होता है, ना कोई घर कुछ भी नहीं होता। पहले हम बहुत गए इस पहाड़ी पर, यानी 3 से 4 दफ़ा हम इस पहाड़ी पर गए, लेकिन जब हम छोटे छोटे थे यानी अम्मी वगैरह के साथ पहले गए इधर बहुत, लेकिन अब नहीं जाते क्योंकि इधर डकैत डाकू वगैरह यानी ये सब होते हैं, और ये वाली पहाड़ी जो है इधर घर वगैरह बने हुए हैं, और इधर डर नहीं लगता जाने में, यानी सब हम जाते हैं तो लेडीज से बाहर आ जाती हैं, बात बात करते हैं, माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है। देखें आप लोग आसमान देख सकते हैं कितना ही प्यारा हो रहा है, यहाँ से छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद बादल झाँक रहे हैं, ऊपर काले काले बादल हो रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है धुआं जा रहा है, बहुत तेज़ी से बादल चल रहे हैं। की वीडियो तो मैंने बहुत बना लिया, छत की भी बना ली, तो अब हम दोबारा से नीचे चलते हैं। मैं जो ना आपसे अपनी वीडियो के बारे में बात करना चाहती हूँ, मतलब के दोस्तों आपको पता है मेरे व्यूज़ है ना बस 200 ही आते हैं, और 200 भी बहुत मुश्किल से आए, और 200 भी व्यूज़ जब आए जब हमने अपनी शादी वगैरह की वीडियो बनाई है, शादी की वजह से 200 व्यूज़ हो गए। बस मैं तो दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक मेरे व्यूज़ जल्दी जल्दी बढ़ जाए, मैं कामयाब हो जाऊँ। और दोस्तों आपको पता है मैं दूसरों की वीडियो खोलकर देखती हूँ ना जब जो है ना उनके व्यूज़ माशाल्लाह से 1K 2K 5K ऐसे होते हैं, और मेरा भी दिल करता है, मेरी भी दिली
तमन्ना है कि मेरे भी इतने ज़्यादा व्यूज़ हों, मेरे भी वीडियो जो है ना लोग पसंद करें। लेकिन दोस्तों मुझे जो ना आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि दुआ कीजिएगा कि मेरे भी व्यूज़ अच्छे आएँ, मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ें और मैं भी जल्दी से कामयाब हो जाऊँ। कि आप ही जो है सालन बनाने की तैयारी कर रही हैं। पता है जब मेरी आपी की बर्थडे हुई थी ना, तो मेरी भाभी यानी दूसरी वाली भाभी जो है उन्होंने मेरी आपी को ये वाला गिफ्ट दिया था बर्थडे के एक दिन बाद, यानी उस वक्त जो उन्हें टाइम नहीं मिला था। और ये बराबर में जो केतली वगैरह रखी है, आपको याद है मैं मेरी कज़न की शादी वलीमा था जब मैंने आपको बताया था कि हमारे हमने ये गिफ्ट दिया, तो ऐसा बिल्कुल सेम मेरी अम्मी ने जो है ना यानी हम लोगों ने अपनी कज़न को गिफ्ट दिया था। वो देखिए माशाल्लाह अभी तक कितना चमक रही है। आपी ने मसाला जो है वो तैयार कर लिया और अभी इसमें कोफ्ते डाल रही हैं। डाल देंगे उसके बाद धनिया डाल देंगे, उसके बाद हमारा सालन हो जाएगा तैयार। और कोफ्ते भी डल रहे हैं हमारे हल्के हल्के। आपको पता है कि मैं आलमनी घर पर आई थी और आप ही जो है मेरी अभी अकेली पड़ गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाभी जो है वो अपने अम्मी के घर पर गई हुई है, तो मिलके दोनों खाना बनाते थे। लेकिन अभी वो नहीं है, तो मेरी आपी ने मुझसे बोला कि अलीशा आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो अभी मैं यहाँ पर आपी के साथ रोटियाँ बनवा रही हूँ। आपको तो पता ही है कि खाला अम्मी की माशाल्लाह बड़ी फैमिली है, तो काफ़ी सारे आटे की रोटी बनती है, तो हम दोनों मिलकर बनाएंगे तो रोटी जल्दी बन जाएगी। जो है वो कोफ्ते बना रहे हैं और हम जो है हम बना रहे हैं आज दाल गोश्त। और रोटी तो वैसे मैं बना कर आ गई थी घर में, लेकिन दाल गोश्त जो अम्मी अभी बना रही होंगी। और अड्डा जो है दोस्तों वो भी हमारा आ गया। हम लोग काफ़ी दिन से सोचते थे कि हम पहाड़ी पे जाएं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा। लेकिन हम पहाड़ी पे जब भी जाएंगे आपके साथ लाजमी से। मगरिब की अजानें बोलना शुरू हो रही हैं और मैं अपना व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताइएगा। अभी मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नए व्लॉग के साथ। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।